हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, जो जल संवहन तंत्र होता है, जो इकाइनोडर्म्स वगैरह होते हैं स्टारफिश के अंदर हम देखेंगे। ये किसके अंदर आती है? इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं जो स्टारफिश वगैरह होती है। एक स्टार यानी कि तारे नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, उसके अंदर देखेंगे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जल संवहन तंत्र जिसको कहा जाता है। तो ये इकाइनोडर्म्स जीव वगैरह है, इनके अंदर देखते हैं जो तारा मछली के अंदर क्या है, जल संवहन तंत्र के बारे में आज डिस्कस करेंगे, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि एक जो जल संवहन तंत्र नुमा स्ट्रक्चर नुमा, ये क्या है कि मैंने डायग्राम वगैरह बना रखा है, इसके अंदर क्या है कि अलग अलग जो कैनाल्स वगैरह, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे जनरली हम लोग किस प्रकार से इसका सिस्टम बना रहता है। इकाइनोडर्म जीवों में नाल का एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र उपस्थित होता है। जो इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का यानी कि स्पेसिफिक एक तंत्र पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाल तंत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको कह सकते हैं कैनाल सिस्टम। किस नाम से कह सकते हैं? कैनाल सिस्टम के भी कह सकते हैं इसको। ये नाल तंत्र गमन में, श्वसन में व भोजन पकड़ने में सहायक होता है। ये जनरली क्या होता है कि जो कैनाल सिस्टम वगैरह होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, मूविंग यानी कि गति के लिए जो पांचों इसकी जो आर्म्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा ये क्या करता है, मूव करता है, गति करता है, गमन करता है। ठीक है, लोकोमोशन करता है जिसको कहते हैं। और श्वसन यानी कि इसके अंदर जो स्पाइरिकल्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह, इसके अंदर जो श्वसन तंत्र भी सिस्टम बना रहता है इन जो इकाइनोडर्म्स वगैरह होते हैं इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, एवं भोजन जो भोजन वगैरह होता है उसको पकड़ने के लिए भी ये सहायक होता है, कैनाल सिस्टम वगैरह। और इस कैनाल सिस्टम के अंदर यानी कि नाल तंत्र के अंदर क्या होता है, निम्न भाग उपस्थित होते हैं, यानी कि जो निम्न पार्ट्स वगैरह होते हैं इसके कैनाल सिस्टम के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है मेड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, पोलन वेसिकल्स, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट, यानी कि ये पार्ट्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे। तो इनके बारे में एक एक करके इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि जो कैनाल सिस्टम वगैरह होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो स्टारफिश के अंदर है उसके बारे में देख रहे हैं हम। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो एक रिंग नुमा यानी कि एक रिंग होती है, उसके नुमा ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, रिंग के आकार की क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो स्टारफिश के अंदर होता है। तो वो रिंग कैनाल वगैरह होगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेड्रिपोराइट वगैरह है, ये मेड्रिपोराइट क्या होता है, जो स्टोन कैनाल वगैरह होती है उसके जस्ट अपर वाले पार्ट में, यानी कि जो स्टोन कैनाल वगैरह है ये एस के आकार की, जो ब्लैक से डॉट से मैंने डायग्राम के अंदर शो कर रखा है इसमें, तो इसके अंदर क्या होगा, एस के आकार की जो स्टोन कैनाल जिसको कहते हैं, एस आकार की होती है, इसके जस्ट ऊपर वाले हेड वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह होगा, इस मेड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है। मेड्रिपोराइट होता है, ये क्या होती है, एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो छलनी लाइक क्या होगी, एक स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर क्या है कि रंध्र उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होंगे, रंध्र लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, जैसे ये आप लोगों के क्लियरली अच्छे से दिख रहा होगा, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होती है, मोटर वगैरह, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे पाइप वगैरह होता है, तो उसके अंदर एक की पंप के अंदर क्या है कि इस टाइप की लाइक स्ट्रक्चर, चलने नुमा लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर लगाई जाती है, ताकि वो उससे क्या है कि अच्छे से यानी एयर वगैरह उसके अंदर पास वगैरह अच्छे से क्लियरली ना हो पाए, यानी कि उसको क्या है कि पानी को खींचने के लिए, तो लास्ट ही नीचे नीचे वाला जो पोर्शन वगैरह होता है वहां पे इस लाइक स्ट्रक्चर लगाई जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका, लेकिन उसी के समान स्ट्रक्चर होती है वो, ये बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह होगा, मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट के अंदर रंध्र उपस्थित होते हैं, यानी कि जिनको पोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात होगी स्टोन कैनाल की, यानी कि स्टोन कैनाल में एस लाइक स्ट्रक्चर एंड मेड्रिपोराइट आर प्रेजेंट इसके हेड वाले रीजन पे। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो ये कैनाल सिस्टम वगैरह है इसके अंदर, ये देखो ब्लैक से जो मार्जिन से मैंने कर रखा है इसके अंदर, तो ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है, रिंग कैनाल के नाम से जाना जाता है।
उसको किस नाम से जाना जाता है? रिंग कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर लिख रखा होगा मेड्रिपोराइट स्टोन कैनाल एंड रिंग कैनाल। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है ये मिड के अंदर ये क्या होती है, रिंग कैनाल वगैरह होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ये रिंग कैनाल वगैरह होगी इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट के अंदर देखो, ये जो रेडियल कैनाल है यानी कि ऊर्ध्वाधर जो खड़ी लाइक स्ट्रक्चर है ऊर्ध्वाधर, ये ब्लू कलर से डॉट से मैंने शो कर रखा है इसके अंदर। तो ये क्या है जो ब्लू से डॉट से शो कर रखा है इसको, ये क्या होती है? इसके अंदर जो रेडियल कैनाल होती है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली लाइक स्ट्रक्चर है रिंग कैनाल होती है। क्या होती है? रिंग कैनाल होती है। और इसके अंदर रिंग कैनाल के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, ट्यूब फिट पाई जाती है। इसी सॉरी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है इस ये रेडियल कैनाल वगैरह यानी कि ऊर्ध्वाधर जो खड़ी वगैरह है इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जो लेटरल कैनाल होगी, ये देखो जो ये साइड के अंदर है ये क्या प्रेजेंट है, ये वाली लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, लेटरल कैनाल। जो रेडियल कैनाल है उसी के ऊपर पाई जाएगी कौन, जो लेटरल कैनाल है, क्या पाई जाती है, लेटरल कैनाल पाई जाती है। और इसी लेटरल कैनाल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसी की सहायता से जो ये इकाइनोड्रम्स के जो स्टार फिश वगैरह होती हैं ये जीव, ये क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, गति करते हैं। और जो ट्यूब फिट वाला पार्ट वगैरह होता है वो भी थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, एम्पुला, पोडियम और सकर। जो सकर की सहायता से तो ये क्या करते हैं, जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं यानी कि जो ये क्या है कि मैराइन वाटर के अंदर यानी कि जो समुद्री जल वगैरह है उसके अंदर रहेंगे, तो उसके अंदर जो सरफेस वाला एरिया वगैरह होता है उस सकर की सहायता से वहां से वो क्या होते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं। कोई भी सरफेस मिला वहां से क्या हो गए, ये अटैचमेंट हो जाएंगे इस तरीके से। और फिर बाद में जैसे ही इनके अंदर जो वाटर कंटेंट वगैरह पानी वगैरह है तो वो भरेगा जैसे ही, और फिर उसके साथ ऐसे वो क्या है कि उस सतह को छोड़ेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर उसको यानी कि सतह को पकड़ेंगे इस तरीके से। जो ये क्या है कि मूविंग यानी गति इसके अंदर पाई जाती है वो अभी देखेंगे इसके अंदर। तो ये बात होगी, ये लेटरल कैनाल जो ये इसके ऊपर प्रेजेंट वगैरह है ये क्या होते हैं, ट्यूब फिट के नाम से इसको जाना जाता है। जो जनरली ये होती है ट्यूब फिट के नाम से इसको जाना जाता है। एंड जो इसी के अंदर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो टिडमान पिंड वगैरह उपस्थित होते हैं। टिडमान पिंड इसी के अंदर उपस्थित होंगे, लेकिन इसके अंदर यानी कि प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक आर्म पर ये क्या पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। जो टिडमान पिंड वगैरह होते हैं, टिडमान बॉडीज वगैरह होती हैं, ये क्या होते हैं, दो पाए जाते हैं एक आर्म पर, एक भुजा पर, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है होती है उसी के अंदर क्या होंगे, प्रत्येक भुजा पर पोलन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जो ये ग्रीन से डॉट से मैंने शो कर रखा है ये क्या है, जो लाइक स्ट्रक्चर है एक बैलून नामक स्ट्रक्चर वगैरह है, ये क्या होती है, पोलन वेसिकल्स के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। और जो रेड से डॉट से मैंने शो कर रखा है ये होता है टिडमान पिंड या टिडमान बॉडीज के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये रिंग कैनाल तो अभी बात कर ही ली थी, अब हम क्या करते हैं एक एक करके जो ये इसके पार्ट्स वगैरह है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो मेड्रिपोराइट है, उसके बाद में देखेंगे स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, पोलन वेसिकल्स, आफ्टर दैट रेडियल कैनाल एंड लेटरल एंड ट्यूब फिट के बारे में। तो ये मैंने जो डायग्राम वगैरह कर रखा है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और जो ये डिटेल्स वगैरह है इसको एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेड्रिपोराइट की, यानी कि जो मेड्रिपोराइट वगैरह होता है स्टोन कैनाल के अंदर, तो उसके बारे में देखते हैं। जनरली सबसे पहले बात करेंगे हम जो मेड्रिपोराइट है स्टोन कैनाल के ऊपर जो पाया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं हम जनरली, ठीक है। तो मेड्रिपोराइट जो मेड्रिपोराइट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर तारा मछली में अपमुख सतह पर, यानी कि जो तारा मछली की जो अपमुख सतह वगैरह है स्टार फिश की, उस पर एक बटन नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, बटन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे मेड्रिपोराइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो स्टोन केनाल वगैरह होगी यानी कि उसके ऊपर क्या है, तारा मछली की अपमुख सतह है, ये कौन सी सतह है, अपमुख सतह है, इसके ऊपर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर, किस नुमा स्ट्रक्चर, बटन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बटन नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, मेड्रिपोराइट के नाम से जाना जाता है।
इस पर अनेक अरीय खांच पाई जाती है। इसके हेड वाले रीजन पे देखो, अभी पहले डिस्कस किया था मैंने, इसके हेड वाले रीजन पे क्या पाई जाती, अनेक अरीय खांच उपस्थित होती है। इसके अंदर पोर्स वगैरह पाए जाते हैं जिसमें 250 रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि 250 रंध्र पाए जाएंगे जिसके अंदर, यानी कि जिसमें क्या पाए जाते हैं, ये यहाँ पे देखो लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 250 रंध्र उपस्थित होते हैं। एक छलनी नुमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, यह है जो मेड्रिपोराइट होती है, वह है इसके अंदर जो 250 रंध्र वगैरह इसके अंदर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और रंध्रों की उपस्थिति के कारण मेड्रिपोराइट एक छलनी के तरह का कार्य करती है, यानी कि जो मेड्रिपोराइट वगैरह होती है वो छलनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या होता है, छलनी के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। ये आगे चलकर क्या होती है, स्टोन कैनाल में खुलती है। आगे चलकर किसके अंदर खुलेगी, जो स्टोन कैनाल है, एस के नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, इसके अंदर क्या होती है, ये जनरली खुलती है। तो ये बात होगी मेड्रिपोराइट की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो स्टोन कैनाल होती है उसके बारे में। तो स्टोन कैनाल क्या है, यह एस के आकार की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। ये क्या होती है, एस के आकार की संरचना होती है स्टोन कैनाल, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, मेड्रिपोराइट नामक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी भित्ति कैल्सियमयी पदार्थ की बनी होती है। इसकी भित्ति जो स्टोन कैनाल वगैरह है उसकी भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, जो कैल्सियमयी जो पदार्थ वगैरह है, कैल्सियमयी जो पदार्थ है उसकी बनी हुई होती है, जिस कारण इसे स्टोन कैनाल के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, स्टोन कैनाल के नाम से जाना जाता है, एस लाइक स्ट्रक्चर। यह नाल जो स्टोन कैनाल वगैरह है वो क्या करती है, लंबवत यानी कि आगे चलकर रिंग कैनाल में खुलती है। जो मेड्रिपोराइट है उसी के ऊपर क्या पाया जा रहा है, स्टोन कैनाल पाई जाती है, ठीक है। इस स्टोन कैनाल के ऊपर ही पाया जाता है मेड्रिपोराइट। एंड जो स्टोन कैनाल है ये आगे चलकर ये देखो राउंड सी हो गए, एस नामक स्ट्रक्चर वगैरह, और ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ब्लैक से डॉट से मैंने शो कर रखा है इसके अंदर, तो ये किसमें खुलेगी जाके, रिंग कैनाल के अंदर खुलती है। ये किसमें, रिंग कैनाल के अंदर खुलती है, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखते हैं जो रिंग कैनाल के बारे में। तो ये हो गया हमारा जो स्टोन कैनाल एंड जो मेड्रिपोराइट है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर रिंग कैनाल के बारे में। जो रिंग कैनाल वगैरह होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है इसके अंदर, तो जो स्टोन कैनाल है वो आकर किसके अंदर खुलेगी, रिंग कैनाल के अंदर खुलती है। तो रिंग कैनाल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होती ही है। तारा मछली के शरीर में अधर तल पर, जो अधर तल वगैरह होता है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक पंचभुजीय वर्तुल नाल में खुलती है। ये क्या होती है, पंचभुजीय वर्तुल नाल के अंदर क्या होती है, खुलती है। तारा मछली के शरीर के जो अधर तल वगैरह है ना उसके अंदर क्या होगा, एक पंचभुजीय, यानी कि जो पांच भुजाओं लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर अच्छे से क्लियर दिख रही होगी, ये वाली भुजा, ये और ये एंड ये और ये, ठीक है। पंचभुजीय वर्तुल नाल के अंदर ये क्या होती है, खुलती है। प्रत्येक भुजा से एक अरीय नाल निकलती है, प्रत्येक भुजा वगैरह है उससे क्या निकल रही है, एक अरीय नाल निकल रही है। ये देखो अच्छे से क्लियरली, ये अरीय नाल निकल रही है इसके अंदर, ठीक है। ये अरीय नाल वगैरह है ये वाली इसके अंदर। प्रत्येक भुजा पर दो टिडमान पिंड उपस्थित होते हैं, या फिर टिडमान बॉडी जिसको कहा जाता है। ये देखिए इसके अंदर जो टिडमान बॉडीज वगैरह होती है, ये टिडमान बॉडीज वगैरह लाइक स्ट्रक्चर, जो रेड से कलर से मैंने शो कर रखा है इसके अंदर, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह है रेड से कलर से शो कर रखा है। ये क्या होते हैं, प्रत्येक भुजा पर क्या पाए जाएंगे, दो टिडमान पिंड वगैरह इसके अंदर उपस्थित होते हैं, या फिर इस जिनको कहा जाता है टिडमान बॉडीज के नाम से जिनको जाना जाता है। तो प्रत्येक भुजा पर क्या होंगे, दो होते हैं, लेकिन जो स्टोन कैनाल वगैरह होती है उसके अंदर एक ही उपस्थित होता है। ये देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उपस्थित वगैरह है, यहाँ पे एक ही उपस्थित है। जो स्टोन कैनाल होती है वहां पे ओनली फॉर एक ही टिडमान बॉडीज वगैरह पाई जाती है, और जो प्रत्येक भुजा और सभी होंगी वहां पे क्या होंगी, दो दो पाई जाती है, यानी कि दो पाई जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। जो पोलन वेसिकल्स होगा उसके दोनों ओर क्या पाए जाते हैं, जो टिडमान बॉडीज वगैरह होती है वो प्रेजेंट वगैरह होंगी इसके अंदर, ठीक है, रिंग कैनाल के अंदर। अब नेक्स्ट बात आती है, यानी कि रिंग कैनाल की बात होगी, ये कहेगी रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, इसके ऊपर क्या होंगे,
प्रत्येक भुजा पर एक अरीय नाल वगैरह निकलेगी एंड जो टिडमान बॉडीज वगैरह हैं वो उपस्थित होते हैं इसके अंदर दो, और स्टोन के नाल पे एक ही उपस्थित होगी। अब नेक्स्ट बात आती है पोलन वेसिकल्स की। जो पोलन वेसिकल्स वगैरह होते हैं उनकी हम बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, जनरली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है जो ग्रीन से कलर से शो कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ग्रीन से कलर से ये वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है ये वाली, ये क्या होते हैं पोलन वेसिकल्स के नाम से इनको क्या है जाना जाता है, जो ग्रीन से कलर से शो कर रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है। रिंग कैनाल के प्रत्येक भुजा में एक पोलन वेसिकल्स उपस्थित होता है, यानी कि जो रिंग कैनाल वगैरह है इसकी प्रत्येक भुजा पर, यानी कि जो प्रत्येक आर्म्स वगैरह है, प्रत्येक भुजा वगैरह है, इस पे क्या पाए जाएंगे, एक पोलन वेसिकल्स पाया जाएगा, एक पोलन वेसिकल्स पाया जाएगा इसकी प्रत्येक भुजा पर। ये एक पेशीय संरचना होती है, पेशीय स्ट्रक्चर वगैरह होती है, तो ये क्या है कि संकुचित वगैरह होती रहती है, पेशीय लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है ये, जो जलाशय की तरह कार्य करती है। जो क्या करती है, जलाशय की तरह पेशीय लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है तो ये क्या करेगी, जलाशय की तरह कार्य करती है, जल दाब को नियंत्रित करती है। जल दाब को क्या करती है, नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पोलन वेसिकल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये वाला नोट कर लीजिए। एंड इसके बाद में देखते हैं हम जो पोलन वेसिकल्स की बात होगी, फिर बाद में जो रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल वगैरह है इनके बारे में देखेंगे, और जो ट्यूब फिट वगैरह है उसके बारे में। तो ये पोलन वेसिकल्स तक की हमारी बात हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेडियल कैनाल की। रेडियल कैनाल यानी कि हमने बात कर लिया जो रिंग कैनाल वगैरह थी उसके बारे में। जो प्रत्येक रिंग कैनाल वगैरह होती है उसकी भुजा से क्या है कि जो ऊर्ध्वाधर रूप के अंदर जो निकली हुई स्ट्रक्चर वगैरह है, यानी कि लास्ट तक एंड तक होती है, ये रेडियल कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियल कैनाल के नाम से जिसको जाना जाता है। ये लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है जो प्रत्येक भुजा पर रेडियल कैनाल वगैरह निकली हुई है रिंग कैनाल के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में एक देखते हैं, जो रिंग कैनाल है उसके रेडियल कैनाल के बारे में, रिंग कैनाल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है। तारा मछली की प्रत्येक भुजा में एक रेडियल कैनाल, यानी कि क्या, एक रेडियल कैनाल उपस्थित होती है। जो तारा मछली की जो प्रत्येक भुजा है, आर्म वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह होगी, एक रेडियल कैनाल उपस्थित होती है जो भुजा के शीर्ष तक फैली रहती है। जो क्या है कि भुजा के शीर्ष तक, यानी कि लास्ट एंड तक, देखो यहां तक, ये पांचों भुजाओं के अंदर लास्ट एंड तक फैली हुई है क्या, रेडियल कैनाल। इसकी उपकला पर अनेक फ्लैजिला, यानी कि जो पक्ष्माभ वगैरह होते हैं वो उपस्थित होते हैं, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है जो रेडियल कैनाल की, इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी प्रत्येक भुजा पर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रेजेंट वगैरह होती है। और इसके बाद में देखते हैं हम लेटरल कैनाल के बारे में। जो लेटरल कैनाल हो वो किस प्रकार से प्रेजेंट वगैरह होती है, जो रेडियल कैनाल होती है उसके दोनों तरफ, यानी कि दोनों साइडों के अंदर, दाएं और बाएं साइड के अंदर क्या पाई जाती है, लेटरल कैनाल पाई जाती है। लेटरल कैनाल उपस्थित होती है उसके ऊपर ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर क्या पाई जाती है, ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है। तो लेटरल कैनाल के बारे में देखते हैं, प्रत्येक रेडियल कैनाल पर दाएं बाएं, यानी जो प्रत्येक रेडियल कैनाल वगैरह है उसके दाएं एवं बाएं, जो ये ब्लू से डॉट से मैंने दिखा रखा है, ब्लू लाइक स्ट्रक्चर वगैरह कलर से मैंने शो कर रखा है, ये क्या है, लेटरल कैनाल। जो रेडियल कैनाल है ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर और इसके दोनों तरफ बाएं और दाएं साइड के अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह है, जो लेटरल कैनाल है, ठीक है। तो रेडियल कैनाल के दाएं और बाएं लेटरल कैनाल उपस्थित होती है, एक पंक्ति के अंदर विन्यासित होती है, ये देखो एक पंक्ति के रूप के अंदर विन्यासित वगैरह है, ये ब्लू कलर से डॉट से मैंने दिखा रखा है, जो पांचों भुजाओं के ऊपर उपस्थित होती है। ये लेटरल कैनाल ट्यूब फिट या नाल पाद से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, जनरली ये देखो जो ब्लैक से कलर से शो कर रखा है मैंने, ये क्या प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है। ये ब्लैक से कलर से जो शो कर रखा है ये क्या प्रेजेंट है, एक ट्यूब लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है ये। इसको क्या कहा जाता है, नाल पाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये लेटरल कैनाल एक तरह द्वार की तरह कार्य करती है। ये क्या करती है, एक द्वार की तरह कार्य करती है, कौन, जो लेटरल कैनाल होती है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो ट्यूब फिट है उसके बारे में, जो ट्यूब फिट है उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं जो रेडियल कैनाल है उसके बारे में। जो रेडियल कैनाल वगैरह है इसके अंदर
तो जो स्ट्रक्चर वगैरह है रेडियल केनाल की वो देखते हैं, इसके अंदर किस प्रकार से ये रेडियल केनाल वगैरह होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके आरंभ पर जो रिंग केनाल होगी उसकी प्रत्येक भुजा पर क्या पाई जाती है, एक रेडियल केनाल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, जो मैंने ब्लू से कलर से डॉट से ये शो कर रखा है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है जो रेडियल केनाल के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इस रेडियल केनाल वगैरह होती है इसी पे क्या प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ दाएं और बाएं साइड के अंदर जो लेटरल केनाल वगैरह होती है ब्लू से कलर से डॉट से मैंने शो कर रखा है। तो ये लेटरल केनाल इसके अंदर दोनों तरफ की दाएं और बाएं साइड के अंदर ये क्या होगी, लेटरल केनाल वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगी। जो लेटरल केनाल है इसी के ऊपर क्या पाई जाती है, ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसी की सहायता से यह क्या करती है, जो स्टार फिश वगैरह होती है वो क्या करती है, जो सरफेस एरिया वगैरह होता है उसके अंदर क्या होती है, अटैचमेंट होता है और मूविंग गति करने का कार्य करती है। और इसी के थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एम्पुला, पोडियम एंड सक्कर के रूप के अंदर ये डिवाइडेड रहती है, इसके जो ट्यूब फिट वाले पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो रेडियल कैनाल है जो ऊर्ध्वाधर प्रत्येक भुजा पर ये पाई जाती है और लास्ट एंड तक पाई जाती है, ये इसके बारे में जनरली देखते हैं। तारा मछली की प्रत्येक भुजा में एक रेडियल कैनाल उपस्थित होती है, जो तारा मछली वगैरह होगी उसकी प्रत्येक भुजा पर क्या पाई जाती है, ये रेडियल कैनाल उपस्थित होती है जो भुजा के शीर्ष तक फैली होती है। जो क्या होती है, भुजा है आर्म्स वगैरह उसकी शीर्ष तक फैली हुई है ये लाइक स्ट्रक्चर। इसकी उपकला पर जो इसकी उपकला वगैरह है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। इसकी उपकला पर उपकला है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती है, जिसको पक्षमाप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पक्षमाप के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई बात रेडियल कैनाल की। इस रेडियल कैनाल के ऊपर ही क्या पाई जाती है, लेटरल कैनाल उपस्थित होती है। तो लेटरल कैनाल के बारे में हम देखते हैं, तो लेटरल कैनाल के बारे में देखते हैं, प्रत्येक रेडियल कैनाल पर दाएं बाएं लेटरल कैनाल एक पंक्ति के रूप के अंदर विन्यासित होती है। यानी कि जो रेडियल कैनाल है इसके दाएं साइड एंड बाएं साइड के अंदर जो ब्लू कलर से डॉट से शो कर रखा है मैंने, तो इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, दोनों साइडों के अंदर जो लेटरल कैनाल वगैरह है वो प्रेजेंट वगैरह होगी, दोनों साइडों के अंदर रेडियल कैनाल के दोनों तरफ एक पंक्ति के रूप के अंदर विन्यासित होगी। वो किस रूप में, एक पंक्ति के रूप के अंदर विन्यासित होगी। ये लेटरल कैनाल, जो लेटरल कैनाल है ट्यूब फिट या नाल पाद जिसको कहा जाता है, जिससे जुड़ा होता है, यानी कि ट्यूब फिट के लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है जिससे क्या जुड़ा हुआ होता है, जो लेटरल कैनाल यानी कि जो लेटरल कैनाल है दोनों ऊर्ध्वाधर साइड यानी कि दोनों साइडों के अंदर दाएं बाएं साइड के अंदर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लैक से कलर से शो कर रखा है मैंने, ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ये क्या होती है, ट्यूब फिट के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको नाल पात कहते हैं। ये लेटरल कैनाल एक तरह द्वार की तरह कार्य करती है, एक तरह क्या करती है, द्वार की तरह, यानी कि द्वार की तरह क्या करेगी, ये कार्य करेगी जो लेटरल कैनाल है वो। अब देखते हैं जो ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एम्पुला, पोडियम एंड सक्कर के अंदर, तो इसके बारे में देखते हैं, ये ट्यूब फिट के बारे में देखते हैं जनरली, ठीक है, हमने देख लिया इसके बारे में रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और जो स्टोन कैनाल, मेड्रीपोराइट्स वगैरह, टिडमान पिंड वगैरह है, पोलन वेसिकल्स के बारे में जनरली देख लिया। अब जो लेटरल कैनाल है इसके ऊपर जो प्रेजेंट वगैरह है ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ये देखो एक ट्यूब फिट यानी कि ये ट्यूब फिट बहुत सी प्रेजेंट वगैरह होती है जो लेटरल कैनाल वगैरह होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने एक ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर ले ली, ये बैलून लाइक यानी कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो इस ये ब्लू से कलर से शो कर रखा है मैंने, तो ये क्या है कि जो ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी ये। तो इसके अंदर क्या है कि थ्री पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड होती है, थ्री पार्ट्स के अंदर ये क्या होगी, जनरली डिवाइडेड होती है, ये ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वाली। तो इसके अंदर क्या है, ऊपरी ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, जो गोलेनुमा स्ट्रक्चर वगैरह ऊपरी ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, एम्पुला के नाम से जिसको जाना जाता है एम्पुला। फिर उसके बाद में आता है मिड वाला पार्ट पोडियम, और जस्ट नीचे नीचे सरफेस वाला एरिया वगैरह होता है जिसकी सहायता से ये अटैचमेंट होती है किसी सरफेस एरिया से। तो इसको क्या कहा जाता है, सक्कर के नाम से जाना जाता है, चूसक के नाम के जाना जाता है जिसको। ये क्या है कि ट्यूब फिट के लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इसको, जो ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है इसके अंदर किस प्रकार से जो एम्पुला वाला पार्ट है वो किस प्रकार से वर्क शो करता है, और पोडियम एंड सक्कर। प्रत्येक नाल पाद एक यानी कि नाल पात किसको कहा जाता है, ट्यूब
टू फिट को ही नाल पाद के नाम से जाना जाता है। जो टू फिट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, एक खोखली सिलेंडर के समान होती है। ये क्या होती है? एक खोखली सिलेंडर के समान लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। टू फिट तीन भागों से मिलकर बनी होती है। टू फिट तीन भागों से मिलकर बनी हुई होती है, थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है एम्पुला वाला पार्ट, नेक्स्ट होता है पोडियम एंड नेक्स्ट सकर। ठीक है, एम्पुला गोलाकार व पेशीय संरचना होती है। एम्पुला वाला पार्ट कैसा होगा? गोलाकार है, ऊपर ही ऊपर अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। और ये क्या होती है? एक पेशीय लाइक स्ट्रक्चर होती है, संकुचन होता है जिनके अंदर, पेशियों की संरचना होती है जो पोडियम के द्वारा शक्कर में घुलती है। जो पोडियम के द्वारा किसमें घुल रही है? शक्कर के अंदर। ऊपर ऊपर वाला पार्ट एम्पुला वाला पार्ट, एम्पुला क्या है? पोडियम की सहायता से शक्कर के अंदर खुलेगा। नीचे वाले पार्ट के अंदर क्लियरली अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो और इसके बाद में क्या है कि जो शक्कर की सहायता से तारा मछली सतह से चिपकती है। जो शक्कर वाली जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, चूसक जिसको कहा जाता है, चूसक के द्वारा क्या करती है? ये सरफेस वाला एरिया वगैरह होगा जहां पे भी मूविंग वगैरह गति वगैरह करती है ये जनरली। ठीक है, तो ये से मान लो कि ये लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है वॉटर वगैरह। ठीक है, तो वॉटर के अंदर जो तारा मछली वगैरह, स्टार फिश वगैरह, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है। ठीक है, तो ये पांचों भुजाएं वगैरह होगी इसकी। तो ये क्या करेगी? इसके अंदर जो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगा इसी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसके अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होंगे जो इसकी जो भुजाएं वगैरह है। ठीक है, ये जो इसकी भुजाएं वगैरह है, ठीक है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जैसे ही मूव करेगी, गति वगैरह करेगी, जो शक्कर वाला एरिया वगैरह है, ठीक है, जो इसको चूसक कहा जाता है, इसकी सहायता से ये क्या करेगी? जो सरफेस ये एरिया वगैरह है ना, ये यहाँ का जो वाटर कंटेंट के अंदर जो भी एरिया वगैरह होगा, वहां से अटैचमेंट होगी ये। ठीक है, अटैचमेंट होकर फिर बाद में इसके अंदर मूव होगी, गति वगैरह होगी, फिर बाद में ये सरफेस वाले एरिया से अटैचमेंट होगी। तो जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है, जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और ये क्या कर देगी? गति करती रहती है, मूव करती रहती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये शक्कर की सहायता से ये क्या है? अटैचमेंट होती है सरफेस वाले एरिया से। ये बात होगी जो इसकी टू फिट वाला लाइक स्ट्रक्चर थी उसके बारे में। अब इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं, क्रिया विधि देखते हैं, किस प्रकार से ये गति करती है और फिर जो सरफेस वाला एरिया है उससे अटैचमेंट होती है, फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो प्राप्त करती है, तो उसके बारे में देखते हैं। क्रिया विधि, जल संवहन तंत्र जिसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, में द्रव के दाब में परिवर्तन होता है। जो वाटर कंटेंट वगैरह होगा, द्रव वगैरह होगा, उसके अंदर क्या होगा? दाब के अंदर क्या होगा? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होगा। ट्यूब फिट की एम्पुला वाला भाग, यानी कि जो ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर है उसका एम्पुला वाला पार्ट के अंदर भाग की पेशियों में संकुचन होता है। जो पेशिया लाइक स्ट्रक्चर तो है ही है, तो इसके अंदर क्या होगा? संकुचन होगा, यानी कि मोग ये क्या होगी? संकुचित होगी एक तरीके से, संकुचन होगा इसके अंदर। संकुचन से शक्कर जो चूसक के द्वारा तारा मछली सतह से चिपक जाती है। जो शक्कर लाइक चूसक लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये वाली, नीचे नीचे वाली जस्ट, तो इसकी सहायता से ये क्या करेगा? सरफेस वाला एरिया वगैरह है वहां पे क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, जो तारा मछली है उसका, ठीक है, शक्कर की सहायता से ये क्या आएगी? चिपक जाती है। अनुदैर्ध्य जो संकुचन के कारण जल पुनः एम्पुला में प्रवेश कर जाता है। जो अनुदैर्ध्य जो संकुचन वगैरह होता है उसके द्वारा क्या होता है? जो एम्पुला वाला पार्ट है उसके अंदर पुनः क्या है कि जो जल वगैरह है वो प्रवेश वगैरह कर जाता है। किस तरीके से? इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, एम्पुला वाला पार्ट वगैरह, तो इसी तारा मछली के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा। तो ये क्या है कि जैसे ही सरफेस वाले एरिया वगैरह, ये ऐसे मान लो, तो यहाँ पे अटैचमेंट हो गया इसका। ठीक है, ये वाला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है तो इसका इस सरफेस वाले एरिया से अटैचमेंट वगैरह होगा यहाँ पे, जो जो चूसक लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है। जैसे ही फिर बाद में इसके अंदर अनुदैर्ध्य जो संकुचन वगैरह होगा उससे क्या है कि जो एम्पुला वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर वाला हेड वाला पार्ट, तो इसके अंदर क्या है कि जो जल वगैरह है, वाटर कंटेंट वगैरह, वो चला जाएगा। ठीक है, जो वाटर कंटेंट वगैरह चला जाएगा इसके अंदर, प्रवेश वगैरह कर जाता है, जिससे दाब में परिवर्तन होता है, चूसक दाब बढ़ जाता है, यानी कि चूसक दाब क्या होगा? हट जाएगा, यानी कि जो शक्कर लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है उसके दाब में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी सहायता से तारा मछली सतह को छोड़ देती है। तो इसके अंदर क्या होगा जनरली, यानी कि अटैचमेंट हो गया, ऐसे मान लो ये अटैचमेंट हो गया सरफेस वाले एरिया से,
इसके अंदर क्या होगा, फिर बाद में संकुचन, अनुदैर्ध्य संकुचन वगैरह होगा, जिसके सहायता से क्या होगा, इसके अंदर जो ऊपर एम्पुला वाला पार्ट वगैरह है, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट वगैरह है वो क्या होगा, चला जाएगा इसके अंदर, ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो जल की मात्रा है वो चली जाएगी, जल वगैरह। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे वगैरह है, नीचे जो दाब वगैरह प्रेशर लग रहा था वो हट जाता है, जो चूसक दाब जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हट जाता है। हटने से क्या है कि वो सरफेस वाले एरिया को छोड़ देगी, ये सरफेस वाले एरिया को छोड़ दी और वो जो स्टार फिश वगैरह है, और फिर बाद में ये मूव करती है, यानी गति करती रहती है। तो जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट वगैरह होती है, यानी कि जिग जैक के रूप के अंदर ये क्या करती है, लोकोमोशन करती है, गति करती है, गमन करती है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से जो एम्पुला वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगा कि संकुचन वगैरह होगा, फिर बाद में जो चूसक वाला एरिया वगैरह है, सकल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, उससे अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने से फिर बाद में उसके अंदर अनुदैर्ध्य संकुचन होगा, जो एम्पुला वाला पार्ट है उसके अंदर वाटर कंटेंट चला जाएगा, जिससे क्या है कि जो दाब वगैरह है प्रेशर था वो हट जाता है, चूसक दाब जिसको कहा जाता है, और फिर बाद में ये मूव करती रहती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है कि जो गति की जो क्रिया वगैरह होती है वो चलती रहती है, तो जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है, किस रूप के अंदर बनेगी ये, जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इस तरीके से ये गति करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो मैकेनिज्म क्रिया विधि थी वो समझ में आ गई होगी, संकुचन की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे ये चलन में सहायक होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह थी उसको मैकेनिज्म वगैरह इसको नोट कर लीजिए, एंड जो इसकी जो ये डायग्राम्स वगैरह बना रखे हैं ये क्लियरली इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर वगैरह करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।